नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट गोरखपुर की बेटी आदित्या के अद्वितीय प्रदर्शन पर सीएम योगी ने आदित्या का बढ़ाया उत्साह। आदित्या के लिए सीएम योगी ने किया ट्वीट, बोले हमें गर्व है आप पर। गोरखपुर में 2022 में 14 नए गैंग को पुलिस ने किया पंजीकृत। 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हुए हैं पंजीकृत। 15 अपराधियों का खोला गया है हिस्ट्री सीट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। दाऊदपुर स्थित नहर के पास बिना मानचित्र के कमर्शियल बिल्डिंग बनाए जाने का जीडीए ने लिया संज्ञान, किया बिल्डिंग को सील। जिले के सभी कोटेदारों के कोटे पर पीएम वाड़ी स्कीम के तहत लगाया जाएगा वाईफाई सिस्टम। सभी राशन धारकों को मिलेगा लाभ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। प्रशासनिक व राजपत्रित अधिकारी अब थानों का करेंगे निरीक्षण, जांचेंगे थाने का कार्य प्रणाली, रजिस्टर के रख रखाव की लेंगे पूरी जानकारी, डीएम व एसएसपी ने दी जानकारी। पिपराइज ब्लॉक के जंगल सुभान अली में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम बढ़ाने से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गौ आश्रय स्थलों को प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व जनप्रतिनिधि दान करे भूसा, बने पुण्य के भागी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का किया निरीक्षण, जांचा थाने का गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन के अधिकारियों के साथ सीएमओ ने की बैठक, शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारी द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका के विषय पर वर्कशॉप का किया गया आयोजन, कहा सभी थाने पर साइबर क्राइम के लिए एक साइबर सेल की टीम उपलब्ध होने से फरियादियों को मुख्यालय आने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन पर मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन, कहा 12 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने खिलाएंगे फाइलेरिया रोधी दवा। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर की बेटी आदित्या यादव ने ब्राजील में इतिहास रच दिया है। महज 12 वर्ष की उम्र में डेफ ओलंपिक खेल रही आदित्या ने टीम बैडमिंटन इवेंट के निर्णायक मैच में अपनी टीम को जीत दिलाकर टीम चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाया। बैडमिंटन के टीम चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। इस सफलता पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर आदित्या का उत्साहवर्धन कर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्विटर हैंडल @MYogiAdityanath से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ब्राजील #DeafOlympics 2021 की बैडमिंटन स्पर्धा में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दी। इसमें गोरखपुर की बेटी आदित्या यादव ने जो अद्वितीय प्रदर्शन किया है वह असंख्य खिलाड़ियों व बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है, हमें आप पर गर्व है।
जनपद में 2022 में 14 नया गैंग पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया है। इसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जिले में इस वर्ष कुल 14 नए गैंग पंजीकृत हुए हैं और इस 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको पंजीकृत किया गया है। प्रयास है कि सभी अपराधियों का खाका तैयार कर निगरानी रखी जाए व चेक किया जाए और जो भी वैधानिक कार्रवाई है इनके खिलाफ किया जाए। इसी अभियान के तहत इस साल करीब 15 नया हिस्ट्री शीट को खोला गया है, जिसके तहत 15 नए अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी हिस्ट्री शीट खोलकर उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी, जिसमें हत्या के अभियुक्त, सुपारी किलर और जो संपत्ति अपराध करते हैं, नकबजनी, लूट, डकैती करते हैं, जो कि अभी जेल में हैं, लेकिन इनको चिन्हित किया गया है या जैसे ही बाहर आएंगे इनकी निगरानी शुरू की जाएगी। जहां कहीं भी गड़बड़ी पाई जाएगी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जमानतदार को भी बुलाकर चेतावनी दी जाएगी कि भविष्य में इन अपराधियों के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो जो जो अपराधी शामिल रहेगा उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, जनपद में इस वर्ष अभी तक करीब 14 गैंग रजिस्टर हो गए हैं और ये 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हैं जिनको कि पंजीकृत किया गया है। उद्देश्य है कि ये सभी अपराधियों का खाका तैयार हो और भविष्य में इनको निरंतर इन पर निगरानी रखी जाए, इनको चेक किया जाए और जो भी संभव निरोधात्मक कार्रवाई है, कठोरतम कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। इसी अभियान के तहत इस साल अभी तक करीब 15 हिस्ट्री शीट नए खुले हैं और 15 अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिनकी हिस्ट्री शीट खोल कर उनके ऊपर सतत निगरानी रखी जाएगी। इनमें हत्या के अभियुक्त हैं, सुपारी किलर हैं और जो संपत्ति अपराध करते हैं, नकबजनी, लूट, डकैती इत्यादि करते हैं, ये अभियुक्त हैं जो कि फिलहाल जेल में हैं, परंतु इनको चिन्हित किया गया है और जैसे ही बाहर आएंगे इनकी निगरानी शुरू होगी और जहां कहीं गड़बड़ी पाई जाएगी इनके खिलाफ तत्परता बरतते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही इनके जमींदार जो हैं, जो इनको जमानत देकर जेल से बाहर लाते हैं, उनको भी बुलाकर चेतावनी दी जाएगी कि यदि भविष्य में ऐसे अपराधियों द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है तो सभी संलिप्त लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। जीडीए के द्वारा दाऊदपुर स्थित नहर के पास बिना मानचित्र के कमर्शियल बिल्डिंग बनाते पाए जाने पर सील किया गया, जिसके संबंध में जीडीए के अधिशासी अभियंता मुकेश अग्रवाल ने बताया कि जीडीए के द्वारा उन स्थलों को चिन्हित किया गया है जिन स्थलों पर मानचित्र के विपरीत व मानचित्र स्वीकृत कराए बिना निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ दाऊदपुर नहर के पास मुरली मनोहर द्वारा कमर्शियल कार्य हेतु निर्माण कार्य किया जा रहा है, इनका मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है, इसलिए आदेश के अनुपालन के क्रम में सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए के अधिशासी अभियंता मुकेश अग्रवाल ने कहा, कमर्शियल एक्टिविटी का कोई नक्शा नहीं पास कराया है, कमर्शियल निर्माण कर रहे हैं इनका बोलने में। आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उन स्थलों को चिन्हित किया गया है जिन स्थलों पर मानचित्र के विपरीत अथवा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है और यहां पर रेजिडेंशियल आवासीय कॉलोनी में एक श्री मुरली मनोहर द्वारा कमर्शियल एक्टिविटी हेतु निर्माण किया जा रहा है और इनका मानचित्र भी स्वीकृत नहीं है, इसलिए आदेश के अनुपालन के क्रम में आज यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है।
जनपद में सभी कोटेदारों के कोटे पर पीएम वाड़ी स्कीम के तहत वाईफाई लगाया जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि भारत सरकार द्वारा पीएम वाड़ी स्कीम लॉन्च की गई है। पहले लैंडलाइन फोन के लिए पीसीओ ऑपरेटर होते थे, अब फ्रेंचाइजी मॉडल पर कोटेदारों के वहां पीएम वाड़ी नेटवर्क लगाया जाएगा। इसमें कोटेदारों को भी अतिरिक्त आमदनी होगी, यह सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। वहां के स्थानीय लोगों को वाईफाई जोन की सुविधा उपलब्ध होगी, वहां पर हाई स्पीड कनेक्टिविटी होगा, डेटा डाउनलोड होगा, शिक्षा स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन सहित अन्य व्यवस्था किया जाएगा, जो कि बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए सभी कोटेदारों की 7 मई को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से कोटेदारों को कार्ययोजना के लाभ के बारे में अवगत करवाया जा रहा है व पूरी जानकारी दी जा रही है। बीएसएनएल के सहयोग से पूरे जनपद में लॉन्च करके अग्रणी व्यवस्था बनाई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, भारत सरकार द्वारा पीएम वाणी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जैसे पूर्व में लैंडलाइन फोन्स के लिए पीसीओ ऑपरेटर्स होते थे, वैसे ही फ्रेंचाइजी मॉडल पे कोटेदारों के यहाँ पीएम वाणी वाईफाई नेटवर्क चलाने के लिए ये सभी के लिए सुविधाजनक रहेगा। कोटेदारों को भी अतिरिक्त आमदनी होगी, वहाँ के स्थानीय लोगों को वाईफाई जोन्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे हाई स्पीड कनेक्टिविटी हो जाएगी, डेटा डाउनलोड्स हो जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन आदि व्यवस्थाओं के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सुविधाजनक एक योजना लॉन्च की गई है, जिसके लिए अभी 7 तारीख को सभी कोटेदारों की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उनको अवगत कराया जा रहा है इसके लाभ के बारे में, इसकी बारीकियां तकनीकी जानकारी दी जा रही है। बीएसएनएल के सहयोग से इसको पूरे जनपद में लॉन्च करके गोरखपुर जनपद में अग्रणी व्यवस्था बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। जनपद में सभी थानों का प्रशासनिक अधिकारी व राजपत्रित अधिकारी निरीक्षण करेंगे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार थानों में साफ सफाई की व्यवस्था, थानों का कायाकल्प और मुख्य रूप से महिला संबंधी अपराध हिस्ट्री सीटर पर की गई कार्रवाई समीक्षा के लिए ADM SP CO के द्वारा थानों के निरीक्षण किया जा रहा है। यह निरीक्षण का कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा और सभी थानों में गहराई से समीक्षा की जाएगी कि हिस्ट्री सीटर पर क्या क्या कार्रवाई हुई है और जिन अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है उनकी निगरानी की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसका निर्देश दिया गया है। इस निरीक्षण के आधार पर थानाध्यक्षों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, जिससे कि किसी तरह का अपराध कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले के ऊपर कार्रवाई किया जा सके। वहीं इस संबंध में SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा कि गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मिलकर थानों का निरीक्षण किया जा रहा है, वहां पर गैंगस्टर माफिया हिस्ट्री सीटर भूमि विवाद थाने के रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में रजिस्टर की भी जांच किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद एवं SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आज प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से जो मुख्यालय के थाने हैं उनका भ्रमण किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान वहाँ पर गैंगस्टर माफिया हिस्ट्री शीटर भूमि विवाद और थाने के रखरखाव के संबंध में जांच की जाएगी और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। सर, थानों की कार्यपाली के लिए बताया जी, आज जो संयुक्त निरीक्षण होना है प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा, इसका उद्देश्य है कि थानों की समीक्षा की जाए, वहाँ पर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है, कहाँ कार्यवाही की गति बढ़ाने की आवश्यकता है, विभागों में आपसी सामंजस्य की आवश्यकता है, समन्वय की आवश्यकता है, उसे ठीक किया जाए, थानों के रखरखाव में सुधार किया जाए और जो भी थाने की कार्यप्रणाली है थाने के अंदर और जनता के बीच में जाकर उसका फीडबैक लिया जाए, ताकि इसमें जो भी आवश्यक सुधार करने हैं उस संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए जाएंगे। जैसे शासन के निर्देश हैं तो थानों में साफ सफाई की व्यवस्था, कायाकल्प थानों का कायाकल्प कराने के लिए और विशेष रूप से महिला संबंधित अपराध और गैंगस्टर्स और हिस्ट्री शीटर्स पर की गई कार्रवाई की समीक्षा लेने के लिए हम लोगों ने SDMs और उनके काउंटर पार्ट CEOs और ADM और काउंटर पार्ट एडिशनल SPs और मेरे द्वारा और SSP द्वारा भी थानों का निरीक्षण आज प्रस्तावित किया गया है और लगातार भ्रमण चलता रहेगा। सभी थानों में गहराई से समीक्षा होगी, काफ़ी समय बिताते हुए हिस्ट्री शीटर्स पे क्या क्या कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ दंडात्मक निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हुई हैं, उनको इनएक्टिव कराया गया कि नहीं कराया गया और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई नहीं, इसकी समीक्षा ली जाएगी और उसी आधार पर थानों के सभी
थानाध्यक्ष एवं अधीनस्थों के उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह के अपराध या कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। थानों की कार्यप्रणाली और थानाध्यक्ष की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए बात, इसमें ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हमने एजेंडा बिंदु दिए हैं और उसी आधार पर निरीक्षण होगा। जो थाने के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं, थाने की थानाध्यक्ष और सभी उनके अधीनस्थों की आम छवि क्या है, शिकायत निवारण प्रणाली में उनकी कटिबद्धता क्या है, भूमि विवाद और थाना तहसील दिवस थाना दिवस इनमें उनकी क्या तत्परता है, ये सब की आंकलन करके ही मूल्यांकन किया जाएगा। एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने पिपराइज ब्लॉक के जंगल शुभान अली में चौपाल लगाया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर पिपराइज ब्लॉक में जंगल शुभान अली में चौपाल लगाया गया है। इसमें शासन के द्वारा जो भी योजना चल रही है उसके लिए वहां के नागरिकों को जागरूक किया गया। चौपाल में नागरिकों की समस्याओं को सुना गया। इसके अलावा पिपराइज ब्लॉक में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया गया और स्कूल का भी निरीक्षण किया गया। जो भी कमियां पाई गई हैं, कमियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में बन रहे तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहां पर अधिकतर मामले भूमि विवाद, राशन व राशन कार्ड में नाम बढ़वाने के लिए आए, जिसको दूर करने के लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर ही निर्देशित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज पिपराइज विकास खंड में जंगल सुभान अली ग्राम में सुबह 8 बजे आज चौपाल लगाई गई थी ग्रामीणों के बीच, और ग्रामीणों को जो हमारी सरकारी योजनाएं चल रही विभिन्न विभागों की उसके संबंध में उनको जागरूक किया गया। इसके साथ ही उनकी समस्याओं को सुना गया और जो वहाँ पे विकास कार्य हो रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया गया, साथ ही स्कूल का भी निरीक्षण किया गया और जो भी कमियां पाई गई हैं संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उसको तत्काल दुरुस्त करें, सही करें, विकास कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, ग्रामीण गलियां हैं उसको पक्की की जाए, तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए, सड़कों की मरम्मत कराई जाए। इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा हुई ग्रामीणों से और काफ़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। किस तरह के अक्सर गांव में एक भूमि विवाद संबंधी मामले आते हैं, इसके अलावा कुछ ग्रामीणों की राशन की समस्याएं भी होती हैं कि उनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कैंप लगाकर हम लोग राशन कार्ड में नाम जुड़वाने का काम करेंगे। जो पात्र होंगे, जो अपात्र होंगे उनको चिन्हित करके उनको राशन सूची से बाहर करेंगे और उनकी जगह नए पात्रों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा शिकायत ग्रामीणों द्वारा की जाती है, जैसे नाली कहीं नहीं बनी है या सड़क निर्माण हुआ है किंतु अब चलने योग्य नहीं रह गया है, तो ऐसी सड़कों को या नालियों को मरम्मत कराया जाए, उनको पुनः निर्माण कराया जाए, इसके संबंध में भी कार्य योजना बनाकर कराई जाएगी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद में चल रही राशन वितरण की समीक्षा की। उन्होंने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया, जिससे कि सभी नागरिकों को पूरा राशन मिल सके। उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि कोटेदारों को समय से राशन उपलब्ध करवाएं, जिससे कि समय से राशन का वितरण सुनिश्चित हो सके और राशन वितरण में किसी तरह की कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे बिजनेस प्लान तो बताओ, कुछ तो विशेष बात होगी। जो आदमी 51 डाल रहा है, 56 डाल रहा है, उसका और तुम्हारा इतना अंतर बिजनेस प्लान में कैसे आ सकता है? बॉडी राम ज्यादा दूर भी नहीं है, 37 कैसे कर पाओगे बताओ? कुछ सोच समझ के डाला है या माफिया गिरी के लिए डाला है? क्या नाम है? प्रतिनिधि सर। क्या नाम है? सर प्रतिनिधि। आप उनके प्रतिनिधि है? प्रबंधक है वहाँ पे या मैनेजर है? नहीं सर। आप मालिक है? काम देखते हैं सर। पहले बता कौन सा तुम कौन है सर? जी राजेश है। कोई प्लान है कि भी वो भी नहीं है और किस तरह? इसके अलावा कोई और काम नहीं हो रहा है? कहाँ के रहने वाले हैं वो? जलालपुर के। गोरखपुर में? नहीं सर, अम्बेडकर। जानते हो ना इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? पिपरौली किसका है? पिपरौली गोरखपुर नगर कोराबार तो दोनों तो नहीं है सर। तो सर तेल सर जो लग रहा है 500 से 600 या 700 रुपये सर तेल लग रहा है और 20 टन सर गाड़ियाँ लोड करती हैं, तो मेरा सर 4000 से 4500 रुपये सर भाड़ा पड़ रहा है सर। तो एक भी ट्रक डाइवर्ट होगा तो हिसाब लूंगा, कटौती भी होगी और बढ़िया करिए। शिकायत के शिकार नहीं होंगे तुम लोग।
बढ़िया कर लोगे? जियो में लिखा है कुछ? और कोई जियो में विशेष बात जो इनको वाकिफ करना है? इसमें हम आपके मार्केटिंग की टीम और सप्लाई की टीम कोई भी इनको परेशान नहीं करेगा। और इनका भुगतान क्या पेमेंट टर्म्स क्या है इनके? अनुबंध कर सकते अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट गोरखपुर की बेटी आदित्य के अद्वितीय प्रदर्शन पर सीएम योगी ने आदित्य का बढ़ाया उत्साह। आदित्य के लिए सीएम योगी ने किया ट्वीट, बोले हमें गर्व है आप पर। गोरखपुर में 2022 में 14 नए गैंग को पुलिस ने किया पंजीकृत। 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हुए हैं पंजीकृत। 15 अपराधियों का खोला गया है हिस्ट्री सीट। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। दाऊदपुर स्थित नहर के पास बिना मानचित्र के कमर्शियल बिल्डिंग बनाए जाने का जीडीए ने लिया संज्ञान, किया बिल्डिंग को सील। जिले के सभी कोटेदारों के कोटे पर पीएम वाड़ी स्कीम के तहत लगाया जाएगा वाईफाई सिस्टम। सभी राशन धारकों को मिलेगा लाभ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। प्रशासनिक व राजपत्रित अधिकारी अब थानों का करेंगे निरीक्षण, जांचेंगे थाने का कार्य प्रणाली, रजिस्टर के रख रखाव की लेंगे पूरी जानकारी, डीएम व एसएसपी ने दी जानकारी। पिपराइज ब्लॉक के जंगल सुभान अली में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल, कहा अधिकतर मामले भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम बढ़ाने से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गौ आश्रय स्थलों को प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व जनप्रतिनिधि दान करे भूसा, बने पुण्य के भागी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का किया निरीक्षण, जांचा थाने का गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन के अधिकारियों के साथ सीएमओ ने की बैठक, शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारी द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका के विषय पर वर्कशॉप का किया गया आयोजन, कहा सभी थाने पर साइबर क्राइम के लिए एक साइबर सेल की टीम उपलब्ध होने से फरियादियों को मुख्यालय आने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में की बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन पर मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन, कहा 12 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने खिलाएंगे फाइलेरिया रोधी दवा। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर।
हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निसान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने गौ आश्रय स्थलों को भूसा दान करने की अपील करते हुए कहा कि शासन के निर्देशानुसार गौ आश्रय स्थलों को विभिन्न माध्यम से संचालन किया जाता है। कहीं ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर संचालन किया जा रहा है या कहीं पर किसी संस्था के द्वारा गौ आश्रय स्थलों का देखभाल किया जा रहा है, जो कि विभिन्न माध्यमों से संचालन किया जा रहा है। इसमें जन सहभागिता अति आवश्यक है। हमारा सभी जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य से अपील है कि जिले में संचालित अस्थायी व अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के भरण पोषण हेतु अधिक से अधिक मात्रा में भूसा दान करने का कष्ट करें। इस सहयोग से आप पुण्य के भागी बनेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे आप जानते हैं शासन के निर्देशों के क्रम में गो आश्रय स्थलों को विभिन्न माध्यम से संचालन किया जा रहा है। कहीं ग्राम पंचायत और स्थानीय स्तर पर संचालित किया जा रहा है, किसी प्रतिष्ठित आबद्ध लोगों के साथ, संस्थाओं के साथ कार्य किया जा रहा है, कहीं पे नगर निकायों के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो विभिन्न माध्यमों से जो संचालन किया जा रहा है, तो इसमें जन सहभागिता और प्रतिभागिता अति आवश्यक है। तो इसीलिए अपील की जा रही है कि इन निराश्रित जानवरों के लिए भूसे की व्यवस्था के लिए लोगों को अपील किया जा रहा है कि जहाँ भी अगर भूसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको दान में उपलब्ध कराएं, प्रशासन का सहयोग करें, ताकि इन निराश्रित जानवरों को हम लोग विशेष रूप से ख्याल रखें और उनके लिए व्यवस्था करा सकें। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि एडीएम सिटी और मेरे द्वारा रामगढ़ताल थाने का निरीक्षण किया गया और थाने पर महिला अपराधों की समीक्षा, गुंडा, गैंगस्टर, जमीन संबंधी विवादों की समीक्षा की गई है तथा कुछ कमी भी पाई गई है। इसको दूर करने के लिए निर्देशित किया गया कि जो भी कमी पाई गई है उसका जल्दी निस्तारण करें। इसके अलावा निर्माण में रामगढ़ताल थाने के कमी को ठीक करने के लिए बताया गया है। इस अवसर पर रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुशील कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उप निरीक्षक एस के शर्मा, उप निरीक्षक विशाल उपाध्याय सहित अन्य पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, तो आप ही लोग नहीं करना चाहते हैं।
निकाल नहीं रहे हैं ना, शुक्ला जी क्योंकि उनके कंधे पर रख के फायर कर रहे हैं ना, तो उनके कंधे वाला फायर लग जाए फिर हमारा भी लग जाएगा। लिखो सरकारी संपत्ति है, ठीक है, बड़ी बड़ी खराब हो रही है, नष्ट हो रही है, और अगर थाने का थाना आ जाएगा कार्य निष्पादन करने में बिल्कुल भी कोई सहूलियत नहीं है, और ये काम ये गाड़ी बहुत सख्त जरूर है थाना आ जाके लिए, और जनपद में इस प्रकार जो भी है निवेदन है ये, और इसमें जो भी सैंपल वैम्पल है वो सब कलेक्ट कर लिया गया और छोड़ने का होगा। आज थाना हाजा रामगढ़ ताल में मीडियम सिटी साहब और हमारे द्वारा जॉइंट रूप से थाने का निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर बीट व्यवस्था की समीक्षा, महिला अपराधों की समीक्षा, गुंडा गैंगस्टर जमीन संबंधी विवादों की समीक्षा की गई है, और समीक्षा में जो जो कमियां पाई गई है थाने को हिदायत दी गई है कि इनका भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और सभी कमियों का निस्तारण करें, और थाने का जो नया भवन निर्माण हो रहा है उसकी भी जो कमियां वैसी है उसको भी बताया गया कि उनको भी ठीक करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस के जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारी द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका के विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने बताया कि जनपद के सभी थानों पर साइबर सेल स्थापित किया गया है, अगर थाने पर साइबर क्राइम के लिए एक टीम उपलब्ध रहेगी तो आने वाले फरियादियों के लिए जनपद के साइबर सेल मुख्यालय में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा जनता किसी भी अपराध और फ्रॉड जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारी कर्मचारी के कैपेसिटी के लिए यह वर्कशॉप आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप से जनपद के लोगों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने कहा ब्रिजेस को दूर किया, अब जो सबसे ज्यादा टारगेट हो गया है इसी फोन पे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, फोन पे और गूगल पे होता है, इसलिए है फ्रॉड इसलिए क्योंकि ये वल्नरेबल भी हो गया है, जितना यूजर फ्रेंडली होगा उतना ज्यादा वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाता है। कोई भी जो फ्रॉडस्टर होता है एक क्यूआर कोड भेजता है और क्यूआर कोड को वो स्कैन करवाता है, नहीं होता है वो पहले करता क्या है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इससे आप एक रुपया सेंड करें तो आपके खाते में 2 रुपया क्रेडिट हो जाएगा, तो फेल ट्रांजेक्शन हो जाता है, या फिर यूपीआई गलत एंट्री कर दीजिए तो फेल ट्रांजेक्शन होता है, बहुत इजी ट्रिक होता है, वो प्रोडक्टर ये सब चीजें जानता है कि आपको भी पता होना चाहिए, लेकर भेजता है और वो इन बिटवीन दैट वो ट्रस्ट बिल्डअप करता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है तो 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 40,000 इस तरह अपना अमाउंट बढ़ता जाता है। तो यूपीआई बहुत इजी टारगेट है, यूपीआई से बहुत ज्यादा कैसे जाते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी आप रोक सकते हैं, पैसा वापस आता है अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट तुरंत एक्शन लेते हैं तो। दूसरा है कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से बहुत ही सिंपल है, आप जानते होंगे मोबाइल बैंकिंग फॉर एग्जाम्पल योनो एप्लीकेशन सबको इस्तेमाल करते होंगे, उससे फ्रॉड होता है, इसमें बेसिकली उसको मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड करने के लिए विक्टिम के मोबाइल में कोई अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं सब फ्रॉडस्टर, जो बहुत ही कॉमन हो गया है, एनी डेस्क का नाम सुना होगा आपने, एनी डेस्क एप्लीकेशन होता है, क्विक सपोर्ट होता है और भी 4-5 प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जिसको आईडीपी टूल्स कहा जाता है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो इससे होता यह है कि आपके फोन को मिरर कर लिया जाता है, उस पर ओटीपी आता है तो ओटीपी बताने की जरूरत होती नहीं, और फ्रॉडस्टर करता क्या है इसका समझ लीजिए, तो फोन करेगा आपको कहेगा कि मैं एक्स वाई जेड बैंक का मैनेजर बात कर रहा हूँ या फिर कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, आपके मोबाइल की कार्ड की लिमिट पर है, इसको ओटीपी पूछ ही रहा है, तो बोले ये आप हमारे कंपनी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएगा और जैसे आप प्ले स्टोर को डाउनलोड करेंगे तो उस पर फॉर एग्जाम्पल एनिस्ट है वो आपको बता दीजिए, वो आपका ना यूपीआई पिन है ना ओटीपी है, तो जैसे वो 6 डिजिट का कीवर्ड बताते हैं वो फिर वो आपका फोन का मिरर इमेज जो है वहाँ दोनों एप्लीकेशन खोलते हैं यूपीआई पिन अगर एंटर करते हैं तो प्रोडक्ट सबको अंदर से दिखता है, तो आपको पूरा ट्रैक कर लेता है और आपके खाते से पैसा बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। एडीजी महोदय के और डीआईजी महोदय के निर्देशन और एसएसपी महोदय के पर्यवेक्षण में ये साइबर क्राइम अवेयरनेस की एक वर्कशॉप थानों पर साइबर सेल स्थापित किया गया है, उनके लिए आयोजित की गई है,
इसमें प्रमुख रूप से हम थानों के लिए ये हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम है कि अपने काम को अपनी स्किल को साइबर क्राइम डिटेक्शन के लिए हमारे प्रत्येक थाने की टीम ही जान जाए। अगर हमारे थाने पर ही साइबर क्राइम के डिटेक्शन के लिए एक टीम उपलब्ध रहेगी तो आने वाले फरियादी के लिए जनपदीय साइबर सेल में आने की, जनपदीय मुख्यालय आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जनता के वित्तीय फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड जो होते हैं उन मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए अपने अधिकारियों कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये वर्कशॉप हमने आयोजित की है। इस वर्कशॉप में से निश्चित रूप से हमारे जनपद गोरखपुर के सभी निवासियों के लिए लाभ लेगा। साइबर क्राइम का जैसे आप जान रहे हैं आजकल वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है, तो उसमें निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो हमारे विक्टिम लोग हैं गोरखपुर में उनकी समस्याओं का निदान करने में हमको मदद मिलेगी। प्रत्येक थाने में हमने साइबर क्राइम हेल्प डेस्क के नाम से अलग से एक टीम बनाई गई है जिसके प्रभारी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर हैं और उसमें 3 या 4 आरक्षियों के लिए रखा गया है। इस प्रकार थाने पर 5 या 6 लोगों की ये टीम जो हमने प्रत्येक थाने पर बनाई है ताकि उस थाने की समस्याओं का निदान वहीं पर हो सके। थैंक यू। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन की इकाई द्वारा पूरे साल की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि कैसे अर्बन स्वास्थ्य गुणवत्ता पूर्व सुविधाएं देंगे और कैसे अपने मानकों को प्राप्त करेंगे। हमारा प्रयास है कि शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए, साथ ही मानक के अनुसार उनके बच्चों का टीकाकरण हो व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो, जितने भी संक्रामक रोग हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, गोल्डन पॉइंट पे आप कहना ये चाह रहे थे कि आप रेगुलर एएम को पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, कर सकते हैं, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट हमारी ये है कि सर वो लास्ट स्टेज पे हम लोग आते हैं, जब रेगुलर है तो उनके लिए जहाँ प्रसन्नता के अनुसार करोगे आप, इनको पसंद करते हैं तो आप इनका कर दोगे, उनको नहीं करते तो उनको नहीं करते उनको कर दोगे, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो है जहाँ से अगर आपको जिस तरह से करना चाहो, लेकिन पहले ये देख लो आपको उस सब सेंटर की कंडीशन क्या है। अगर आप ये सेचुएट ठीक है तो जमीन पर ही डाल दो, मुझे 15 है 15 पर उनके स्थान डाल दो, बाकी अगर आपके पास 400 लेना है तो 385 पर जो है शून्य शून्य लिख दो, तो जिसके हिस्से में जो पर्ची आवे अपना लूट करके वो अपना वहाँ चला, तब आपके ऊपर कोई रिव्यू नहीं था प्रजातंत्र में, तो तुरंत आरोप लगेगा आपके ऊपर भी, उसका जवाब आप यहाँ से देने का अनुरोध कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे सर। ये जो वैकेंट है हमारे पास लोहरी के फार्मासिस्ट जो है, स्टाफ नर्स नौ ऐसे हैं, इनको रूरल में लगाया गया है, रूरल में वो 4 लोग हो जा रहे हैं इसमें, वो उन्होंने ये किया कि हम आपको अर्बन में नहीं रखेंगे और आपको जो है रूरल में उन्होंने डाल दिया। इस तरह से हमारे पास 4 फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। कहाँ कहाँ है फिर से बताओ। जैसे हमारे पास 23 हैं, 22 हमारी है, 1 हमारी। देखिए ये ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो हमारी अर्बन इकाई है, तो अर्बन स्वास्थ्य मिशन की इकाई है, इसमें हमारे जितने भी अर्बन पीएससी 23 की पीएससीज हैं वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ हमारी एनएचएम की टीम है। तो हम लोग जो है अपने साल भर की रूपरेखा बना रहे हैं, अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम कैसे अर्बन एरिया की जो है स्वास्थ्य की में गुणवत्तापूर्ण अपनी सुविधाएं देंगे और हम कैसे अपने मानकों को प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हमारा लक्ष्य यह है कि गोरखपुर की जनता को जो शहरी मलिन क्षेत्र में निवास करते हैं उनको उच्च गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सुविधाएं मिलें, साथ ही साथ मानक के अनुसार उनके बच्चों का टीकाकरण हो, गर्भवती माताओं का टीकाकरण हो और जितने भी संक्रामक रोग हैं उसका नियंत्रण किया जा सके। इसके साथ साथ हमारा एक लक्ष्य भी रहेगा कि मानकीकरण करने के लिए हमारे जितने भी अर्बन पीएससीज हैं सबको जो है कायाकल्प अवार्ड से सम्मान दिलाया जाए। इसी सिलसिले में हम लोग बैठक कर रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय आ रहे हैं, उनका उद्बोधन होगा, बाकी हम लोग रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं।
जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों की संख्या पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मरीजों का समुचित इलाज करें, जिससे कि मरीजों को कहीं इधर उधर न जाना पड़े। उन्होंने झोलाछाप डॉक्टरों पर सीएमओ को टीम बनाकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। Why are we not able to defeat the Jholachap doctor in the urban areas? ये क्या किया identification हुआ है? क्या हमारे पास दवाइयाँ दवाइयाँ कमी हैं? Doctor कमी हैं? Facility की problem है? लोगों का basically staff है वो कम होने की वजह से, field staff कम होने की वजह से तो वो एक एक आदमी जो है चार चार काम करता है तो उसकी वजह से है सर। वही मैं कह रहा था सभी gap analysis कर लें कितने कितने हैं तो शायद ये और बाकी दो मंत्री उन्हीं के साथ बैठ के आ रहे हैं या अलग से आ रहे हैं? पता नहीं, मुझे थोड़ा सा ये भेज देंगे कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल में एनएससी कितना है, कितियाँ कितनी है, व्हाट्सएप पर भेज देंगे, और सी एस सी में कितनी है और रितियाँ कब भेजो जी। जब मैंने मांगा था उन्होंने, वो डीजी साहब कह रहे हैं कि आपके पास तो पहले से भरे हुए हैं तो रितियाँ हैं ना, मुझे स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन के संबंध में मीडिया कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन बैंक रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 12 मई से 27 मई तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने फाइलेरिया रोधी दवा खिलाएंगे। यह दवा निःशुल्क जन समुदाय को खिलाई जाएगी और इसका सेवन 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और गंभीर रोग से पीड़ित लोगों को छोड़कर सभी को कराना होगा। जनपद में डीईसी और एल्पेंडाजोल नामक दवा की डोज उम्र के अनुसार दी जाएगी और स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही दवा को खाना आवश्यक होगा। दवा खाने से शरीर में परजीवी मरते हैं तो कई बार सिर दर्द, बुखार, उल्टी, बदन में चकत्ते और खुजली जैसे रिएक्शन देखने को मिलती है तथा इससे घबराना नहीं चाहिए और यह आम तौर पर ठीक हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि दवा खिलाने के लिए प्रत्येक टीम 25 घरों में जाकर दवा खिलाएगी। जनपद में हाथी पाँव के 1500 मरीजों को मैनेजमेंट किट बांटा जाना है, इसमें 673 लोगों को किट बांटे जा चुके हैं। इस अवसर पर एडिशनल सीएमओ डॉक्टर बीपी पांडे, एडीएमओ सीपी मिश्रा, डीपीएम पंकज आनंद, सुरेश सिंह चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, उसके बाद हमें खुला सत्र करेंगे जिसमें आपके सवाल आएंगे और जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को विभिन्न और फाइलेरिया सारी चीजों को लेकर हम सभी को संबोधित करें। रोशनी दिखा रहा हूं, मीडिया जो है हर तरफ उसकी उपयोगिता आज हर पैमाने पर, अगर हम यहाँ से न जुड़े, अगर हम इसको साहित्य से ले जाके पुरातन से जोड़ें तो बिना मीडिया के कुछ नहीं हुआ करता। पहले जब हमारे पास संवाद के साधन नहीं थे तो हमें दूसरे को एक दूसरे स्थान पर भेजकर फिर अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे और ये हम लोगों का ये सौभाग्य है कि मीडिया जैसा एक क्षेत्र डेवलप हुआ जिसमें हम लोग जो है थोड़े से समय अंतराल पर अपने पूरे ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं और इसको हमेशा नकारात्मक नहीं देखते। जैसा कि मैंने अनुभव किया है कि ज़्यादातर अधिकारी मीडिया को नकारात्मक भाव में लेते हैं, मैं इसे उनकी अनभिज्ञता और उनकी अज्ञानता ही कहता हूँ।
मीडिया जो होती है वो पथ प्रदर्शक का काम करता है, वो समाज का दर्पण होता है, वो कम से कम सही समय पर आपको एक भाषा में कहते हैं कि चेता देता है, आप अगर संभल जाइए निश्चित तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं होता, तमाम तरह की कमियां होती हैं, जो समाज की कमियां होती हैं उसको लेखनी उजागर करती है, और इस उजागर के कारण में कई बार जो उपहास का भी कारण बनती है। लेकिन ये जो लोग लेते हैं ये उन्हीं की कमी को मैं मानता हूँ। मीडिया एक सम्मानित क्षेत्र है, और आजकल के तंत्र में बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति जो सूचनाएं नहीं संकलित करता, जो सूचनाओं को नहीं लेता, और जुट जाया जाए तो संभवतः इसकी प्रत्येक पंक्तियों पर, प्रत्येक शब्दों पर जो है पूरा दिन लग जाएगा, तभी भी पूरा नहीं हो सकता। मीडिया जो है वो समाज की चीजें जो सभी लोग छिपा ले जाते हैं, जो लोग चाहते हैं कि न दिखे, उस सब पूरे समाज को देखती है, जिससे एक ऐसे समाज का निर्माण होता है, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, जिसमें देश और प्रदेश प्रगति के पथ पर चलता है। तो सभी हमारे यहाँ पर जितने भी मीडिया बंधु आए हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और सदैव ये कहता हूँ कि हम लोग जो है, जो भी हम लोग से कार्य करने में गलतियां निश्चित होती हैं, जो व्यक्ति कार्य करता है उसी से गलतियां होती हैं, जो कार्य नहीं करता है केवल उसी से गलतियां नहीं होती। अगर कोई चीजें ऐसी हैं तो आप निश्चित हमें बताइए, हम निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। उससे पहले आपकी जो द्वितीय स्लाइड है वो एक बार दिखाने सर। ये हमारा 12 तारीख से लेकर 27 तारीख तक MDA कार्यक्रम चलेगा, उसी कार्य के लिए जो है एक मीडिया की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें हमारे यहाँ 12 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में 10 दिन का कार्यक्रम चलेगा। ये बुधवार, शनिवार और रविवार को कार्यक्रम नहीं चलेगा। इसके तहत जो है हमारी आशाएँ, हमारी जो टीमें बनी हैं ये लगभग 4078 टीमें बनी हुई हैं, 815 सुपरवाइज़र तैनात किए गए हैं, लगभग 50 लाख की आबादी को हम कवर करेंगे। इसमें दवा जो होती है एल्बेंडाजॉल और DC खिलाई जाएगी। 2 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती माताएं और गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को दवा नहीं खिलाई जाएगी। ये 2 साल से लेकर के 5 साल तक 1 टैबलेट DC की और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खिलाया जाएगा। 5 साल से लेकर के 15 साल तक 2 टैबलेट DC और 1 टैबलेट एल्बेंडाजॉल खिलाया जाएगा, और 15 साल से ऊपर तक की उम्र में 3 टैबलेट DC और इसको खिलाया जाएगा। इसके तहत जो है हमारी आशा गांव-गांव घर-घर में जाएगी, जो अपने रजिस्टर में पहले से अमुक-अमुक घर में कितने लोग हैं उनकी सूची बना रखी है, उनको अपने सामने दवा खिलाएगी। जो व्यक्ति दवा खाने से छूट जाएगा उनको निर्देशित करेगी वो आशा के घर से दवा आकर के खा जाए, या अन्यथा आशा जो है मॉप अप राउंड में पुनः जाकर के उसके घर रविवार का जो अवकाश का दिन होगा या शनिवार को जब वैक्सीनेशन के दिन जाएगी तब वो दवा उनको खिला देगी। जनता से मैं ये अपील यही करना चाहता हूँ कि गाँव में जब हमारी आशा बहनें दवा खिलाने जाएं तो उनके सामने इस दवा को अवश्य खाइए। अगर आप इससे स्वस्थ रहेंगे तो इससे आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका समाज स्वस्थ रहेगा, आपका देश प्रदेश स्वस्थ रहेगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट गोरखपुर की बेटी आदित्या के अद्वितीय प्रदर्शन पर सीएम योगी ने आदित्या का बढ़ाया उत्साह। आदित्या के लिए सीएम योगी ने किया ट्वीट, बोले हमें गर्व है आप पर। गोरखपुर में 2022 में 14 नए गैंग को पुलिस ने किया पंजीकृत। 14 गैंग में 50 से ज्यादा अपराधी हुए हैं पंजीकृत। 15 अपराधियों का खोला गया है हिस्ट्री सीट। SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। दाऊदपुर स्थित नहर के पास बिना मानचित्र के कमर्शियल बिल्डिंग बनाए जाने का ZDA ने लिया संज्ञान, किया बिल्डिंग को सील। जिले के सभी कोटेदारों के कोटे पर PM वाड़ी स्कीम के तहत लगाया जाएगा वाईफाई सिस्टम। सभी राशन धारकों को मिलेगा लाभ, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी।
प्रशासनिक व राजपत्रित अधिकारी अब थानों का करेंगे निरीक्षण, जांचेंगे थाने का कार्य प्रणाली, रजिस्टर के रख रखाव की लेंगे पूरी जानकारी। डीएम व एसएसपी ने दी जानकारी। पिपराइज ब्लॉक के जंगल सुभान अली में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने लगाया चौपाल। कहा, अधिकतर मामले भूमि विवाद, राशन कार्ड में नाम बढ़ाने से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए निर्देश। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गौ आश्रय स्थलों को प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य व जनप्रतिनिधि दान करे भूसा, बने पुण्य के भागी। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की अपील। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई व एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने रामगढ़ताल थाने का किया निरीक्षण, जांचा थाने का गुंडा, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीट रजिस्टर, कमियों को दूर करने के दिए निर्देश। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्बन के अधिकारियों के साथ सीएमओ ने की बैठक। शहर के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद के सभी थानों पर गठित साइबर हेल्प डेस्क में कार्यरत कर्मचारी द्वारा फर्स्ट रिस्पोंडेंट के रूप में साइबर हेल्प डेस्क की भूमिका के विषय पर वर्कशॉप का किया गया आयोजन। कहा, सभी थाने पर साइबर क्राइम के लिए एक साइबर सेल की टीम उपलब्ध होने से फरियादियों को मुख्यालय आने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। दी आवश्यक दिशा निर्देश। और स्वास्थ्य संचार शुद्धिकरण हेतु फाइलेरिया उन्मूलन सामूहिक दवा सेवन पर मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन। कहा, 12 मई से 27 मई तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को अपने सामने खिलाएंगे फाइलेरिया रोधी दवा। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।